बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एलाइन क्रीम के बारे में बताऊंगी, जो कि फेशियल हेयर रिमूवर क्रीम है, जो आपके फेशियल हेयर को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल जड़ से ही इसका खात्मा कर देती है। लेज़र ट्रीटमेंट अच्छी होती है, बट उससे अच्छी है कि आप ये क्रीम यूज़ करें। इसमें इप्लोरिनथाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम है, और नेम इसके डिफरेंट हैं, डिफरेंट ब्रांड के हैं, लेकिन इसका काम ये है कि ये हेयर्स जो एक्सेसिव हेयर होते हैं उसकी ग्रोथ को ये कम कर देती है, स्लो कर देती है। इसके साथ डिपिलस क्रीम है, वो भी सेम काम करती है कि गैर ज़रूरी बालों का हमेशा के लिए मुकम्मल खात्मा कर देती है। जो लोग गैर ज़रूरी बालों से तंग है, स्पेशली फेशियल हेयर, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देगी। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका लगाने का क्या है कि आपने इस क्रीम को पी साइज़ के बराबर लेके, चाहे वो एलाइन क्रीम है या डेपिलस क्रीम है, दोनों की कम्बिनेशन कंपोजिशन एक ही है। एफ्लोरिनथाइन हाइड्रोक्लोराइड 13.9% है इसके अंदर, तो 15 mg की है। आपने मटर के साइज़ के दाने के बराबर लेके पूरे फेस पे, जहाँ जहाँ आपके फेशियल हेयर हैं उसके ऊपर लगा देना, स्प्रेड कर देना है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपने ऐसे लगा के छोड़ देना, आपने मसाज करना है जहाँ भी बाल हैं आपके चेहरे के ऊपर। तो जिसके जितने थिक बाल होंगे उसको उतना ही टाइम लगेगा बाल ख़त्म करने में। अगर किसी के बाल जो हैं रुए हैं, तो वो तकरीबन 1 माह से 2 माह के अंदर ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर बट यूज़ करना है आपने, ये नहीं है एक दिन यूज़ करें और एक हफ्ते बाद यूज़ करें, ऐसा नहीं है। अपने डेली बेसिस पर यूज़ करना है। जिनके ज़्यादा फेशियल हेयर हैं तो उनको 5 से 6 माह लगेंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इससे आपको वैक्स करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वैक्स करवा के लगाती हैं वो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप वैक्स के बगैर लगाना चाहती हैं तो इन दोनों क्रीम में से कोई भी अगर आपको मार्केट में जो भी मिले अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे आप। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 950 का ये आपको आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं जो लोग, उनको भी इफ्लोरिनथाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से क्रीम आप अगर लेंगे तो वो सेम वही वर्क करेगी जो ये करेगी। नेम इनके डिफरेंट हैं क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, लेकिन वर्क इनका सेम है कि ये जो है आपकी हेयर ग्रोथ को स्लो कर देती है इस क्रीम से आपकी हेयर ग्रोथ, और आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर नहीं आते। तो पाकिस्तान में डिपिलस के नाम से है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।